10 करोड़ 24 लाख रुपए की अदम अदायगी का अहम मामला सामने आ गया। एफबीआर ने कामरान कियानी के बैंक अकाउंट्स को मुंजमद कर दिया। इसी हवाले से तफसीला जानेंगे हमारे नुमाइंदे शबीर हैदर से। शबीर, आगाह कीजिए, ये क्या मामला है? एफबीआर ने कामरान कियानी के बैंक अकाउंट मुंजमद करके 1,61,000 रुपए की रिकवरी कर ली है, जबकि एफबीआर ने ये 10 करोड़ 24 लाख रुपए की अदम अदायगी पर कामरान कियानी के अकाउंट मुंजमद किए थे। कामरान कियानी ने साल 2015 में 33 करोड़ रुपए से जायद की प्रॉपर्टी खरीदी थी, जिसमें जराये के मुताबिक कामरान कियानी ने एफबीआर से 33 करोड़ से जो जायद जो प्रॉपर्टी खरीदी की थी वो एफबीआर को जाहिर नहीं की थी, जिस पर ये प्रॉपर्टी छुपाने पर एफबीआर ने कामरान कियानी का ऑर्डर किया और ऑर्डर करने के बाद उनका टैक्स आयद करने के बाद उनको 12 नोटिस भी जारी किए गए थे, जिस पर कामरान कियानी की जानब से कोई जवाब जमा नहीं करवाया गया, जिस पर एफबीआर जराये का कहना है कि उनके अकाउंट मुंजमद कर दिए गए तमाम अकाउंट, उनमें से अभी जो है वो 1,61,000 रुपए की रिकवरी की गई है, जबकि इसके साथ साथ उनका कहना है कि उनकी जो तमाम प्रॉपर्टी है वो भी मुंजमद कर दी गई है, कि कहीं भी जो भी प्रॉपर्टी होगी आपको फरोख्त नहीं कर सकेगा। इस हवाले से एफबीआर ने डीएचए को भी लेटर लिख दिया है कि डीएचए के अंदर जितनी भी उसकी प्रॉपर्टी है उसको जो उसकी खरीदो फरोख्त है वो ना की जा सके, जिस हवाले से एफबीआर की जानब से नोटिस जारी किए जा चुके हैं। ये जो कार्रवाई है ये कमिश्नर डॉक्टर इश्तियाक अहमद खान की हदायत पर डिप्टी कमिश्नर सुमैरा कंवल की सरबराही में ये कामरान कियानी के अकाउंट भी मैनेजमेंट किए गए थे और उनकी प्रॉपर्टी के हवाले से भी लेटर जारी किए जा चुके हैं। जी ठीक है शबीर हैदर, बहुत शुक्रिया, तमाम तर तफसीलात से आप हमें आगाह कर रहे थे।